हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी में एक और खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली बात करेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। बात करेंगे तो अभी जो है दो दिन पहले जो है रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट पोस्ट की जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। वहीं पर अब जो है आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट मतलब कि जो ट्वेल्थ बेस पर जो वैकेंसी उसमें भी अब जो है पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, आरआरबी का जो एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर के, एक के बाद एक खुशखबरी आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से मिल रही है रेलवे वाले छात्रों को। एनटीपीसी की साथ ही साथ बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने की भी लास्ट डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से जो आरआरबी में कितनी वैकेंसी बढ़ी है। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रात के 9:08 को हमने आरआरबी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आज के दिन लेटेस्ट अपडेट दी गई है। देखिए 7 अक्टूबर को CN06/2024 पोस्ट ऑफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मतलब कि ट्वेल्थ बेस वाले के लिए बात चल रही है। कोरिजेंडम फर्स्ट दिया गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया, रिविजन ऑफ वैकेंसीज। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं आप सभी के सामने। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों नोटिस ओपन हो चुकी है। देखिए कोरिजेंडम फर्स्ट दिया गया CN06/2024 रिविजन ऑफ वैकेंसीज फॉर CN06/2024 एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट मतलब कि ट्वेल्थ बेस वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ अगर बात करेंगे तो जो एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट बढ़ाई गई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब नीचे देखेंगे तो देखिए द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ओनली फॉर द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स इज एक्सटेंडेड बाय 1 वीक मतलब यहाँ पर कैंडिडेट की जो है 1 वीक बढ़ा दी गई है। देखिए अभी जो है पहले जो है 20 तारीख लास्ट थी लेकिन अब जो है एक हफ्ते बढ़ा करके 27/10 लास्ट इनकी जो है डेट रखी गई है और फी पेमेंट वगैरह भी जो है 27 तारीख के बाद 28 और 29 को कर सकते हैं। और यदि कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई करेक्शन करना हो एप्लीकेशन फॉर्म में तो 30/10 से लेकर के 6/11 तक के जो है एप्लीकेशन में मॉडिफाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो वैकेंसी बढ़ाई गई है देखिए यहाँ पर सब्सिक्वेंट टू इंक्लूजन ऑफ वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूबीडीज एज पर द स्टेचुअरी प्रोविजंस मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है 7/10/2024 आज की अपडेट है। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिस टेबल हमने ओपन किया है। देखिए नोटिफाइड पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसीज अगेंस्ट CN06/2024 और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी की जो रिवाइज वैकेंसी मतलब की जो बढ़ाई गई है यहाँ पर जो है उसको दिया गया है। देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क Level 3 की पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर आरआरबी अहमदाबाद में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर VI कैटेगरी, HI कैटेगरी, LD, OD और MD 5 कैटेगरी है। तो देखिए यहाँ पर 0 पोस्ट है और यहाँ पर भी 0 है, इसमें जो है 4 पोस्ट थी इसको जो है कम करके यहाँ पर जो है 2 कर दी गई है। अब इसके यहाँ पर LD में 2 वैकेंसी थी तो इसको कम करके 1 वैकेंसी कर दी गई। OD की 0 पोस्ट थी तो 0 ही है, MD की 1 थी तो यहाँ पर इसको 2 कर दी गई। मतलब कि यहाँ पर कुछ जो है पोस्ट को वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है और कुछ वैकेंसी को डिक्रीज़ किया गया है। मतलब कि आरआरबी जो है राइट्स रिजर्व रखता है कि यहाँ पर कुछ भी वैकेंसी को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। इसी तरह से जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 0-0 है तो यहाँ पर इसकी जो है VI में 1-2 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 1-0 है तो यहाँ पर 0-0 है मतलब कि 1 वैकेंसी थी तो इसको जो है पूरी तरह से घटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 0-0 है LD में तो देखिए आप जो है यहाँ पर 0-0 है और यहाँ पर ये 0-0, ये भी 0-0, ये भी 0-0, ये भी 0-0 रखी गई है। इसके बाद TC की बात करें ट्रेन क्लर्क में तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LD में ही एक वैकेंसी है और यहाँ पर LD में ही एक वैकेंसी है, बाकी जो है कोई वैकेंसी इंक्रीज है डिक्रीज़ नहीं की गई है। इसके बाद आरआरबी अजमेर में बात करेंगे तो देखिए आरआरबी अजमेर में Level 3 की जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट थी तो पहले सब 0-0 थी, अभी भी 0-0 है। वहीं पर अगर बात करेंगे तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में पहले जो है LD में सिर्फ 3 वैकेंसी थी, अभी भी जो है LD में सिर्फ 3 वैकेंसी है, बाकी सब 0-0 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। और बाकी कैटेगरी में भी अगर बात करेंगे तो इसी तरह से दिया गया, बाकी आरआरबी में भी तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाकी आरआरबी में किस तरह से यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आरआरबी भोपाल की बात करेंगे तो LD में पहले 1 पोस्ट थी, अभी LD में देखिए 1 ही पोस्ट है, इस तरह से दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर इस तरह से कुछ वैकेंसी को इंक्रीज़ और कुछ वैकेंसी को डिक्रीज़ किया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। और यहाँ पर अगर आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो देखिए यहाँ पर VI में 1 वैकेंसी थी तो अभी VI में देखिए 2 वैकेंसी कर दी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर MD में 2 वैकेंसी थी पहले, अब जो है रिवाइज करके एक वैकेंसी मतलब सिंगल वैकेंसी बची हुई, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सबके साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।